नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मतगणना के बीच सेना ने किए ताबड़तोड़ एनकाउंटर। पुलवामा मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का कमांडर रियाज अहमद डार मारा गया। आपको बताते चले, पुलवामा जिले के निहामा इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। इनमें से एक लश्कर ए तैयबा का कमांडर रियाज अहमद डार था। सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने आज सुबह निहामा इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों को अपने पास आता देख उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलवामा मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए हैं। इनमें आतंकी लश्कर ए तैयबा का शीर्ष कमांडर सेथर गुड़ काकापो निवासी रियाज अहमद डार और उसका सहयोगी लेरवे काकापुरा निवासी रईस अहमद है। दोनों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार रियाज अहमद डार सबसे पुराने जीवित आतंकवादियों में से एक था और पिछले 8 वर्षों में सक्रिय था। पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए यह एक बड़ी सफलता है, क्योंकि रियाज कई आतंकी मामलों में वांछित था। डार कथित तौर पर सितंबर 2015 में आतंकवादी रैंक में शामिल हुआ था और अतीत में कई बार सुरक्षा घेरे से बच निकला था। इस बार वो सुरक्षा बलों के घेरे को तोड़ने में नाकाम रहा और पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा बलों ने उसे ढेर दिया। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यू भारत।